मनपा द्वारा बढ़ाए गए संपत्ति कर के खिलाफ कई बार आंदोलन छिड़ा गया, जो आज भी जारी है। संपत्ति कर वृद्धि सुर्खियों में है, इसके बावजूद मनपा द्वारा कोई ठोस प्रत्युत्तर अभी तक नहीं दिया गया है, जिसके कारण एक बार फिर इसका निषेध जताने के लिए आम आदमी पार्टी सामने आई है। 27 अक्टूबर को स्थानीय गांधी चौक में मनपा कार्यालय के सामने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने असंख्य चंद्रपुर की जनता के साथ मिलकर मनपा द्वारा संपत्ति कर में की गई बेहिसाब बढ़ोतरी का जमकर निषेध दर्शाया। इस समय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जनता ने मिलकर टैक्स पावती की होली जलाई और निषेध दर्शाया। इसी दौरान आम आदमी पार्टी संयोजक प्रशांत एनी ने इस श्रृंखलाबद्ध अनशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया, 13 अक्टूबर से संपत्ति कर के विरोध में श्रृंखलाबद्ध अनशन जारी है, जिसे तीव्र करने की दृष्टि से यह आंदोलन आज यहां आयोजित किया गया है। साथ ही इस समय आम आदमी पार्टी संयोजक प्रशांत एनी ने सभी कार्यकर्ताओं की ओर से पालक मंत्री से यह विनती की है कि जनता पर जो अन्याय किया जा रहा है, इस अन्याय को रोके और जनता के साथ न्याय करे। आम आदमी पार्टीच्या वतीने मागील 13 ऑक्टोबर पासून सुरू असलेल्या या साखळी उपोषणाला तीव्र करण्याच्या दृष्टीने आज या भव्य मालमत्ता कर होळीचे आंदोलन इथे आयोजित केले आहे। असंख्य चंद्रपूरकर नागरिक या गांधी चौक महापालिका कार्यालयासमोर पोहोचले आहेत। त्यांचा हा विरोध या गोष्टीला दर्शवतो की हा अन्यायकारक असा वाणी मालमत्ता कर हा चंद्रपूरकर जनतेवर होत असलेला अन्याय आहे। म्हणून आम्ही या जिल्ह्याचे पालकमंत्री या नात्याने आमचे पालक सुरेशभाऊ मुनगंटीवार यांना विनंती करतो की या विषयाची दखल घेऊन हा चंद्रपूरकर जनतेवर होत असलेला अन्याय आपण दूर करावा आणि या चंद्रपूरकर नागरिकांवर होत असलेला अन्यायापासून त्यांना मुक्त करावे, असे आवाहन आम आदमी पार्टीच्या तर्फे मी प्रशांत देर्णे संयोजक प्रभारी करीत आहे।